हेलो गाइस, दोबारा से स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन मीडिया एक्सप्रेस में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आप सभी के फेवरेट सीरियल यानी कि अनुपमा के अपकमिंग स्टोरी के अपडेट के बारे में। तो दोस्तों शो में जहां हमें ये देखने मिलता है आद्या नहीं चाहती कि अनुपमा और अनुज मिल जाए एक दूसरे के सामने। जी हाँ दोस्तों, अनुपमा का दुश्मन कोई और नहीं बल्कि उसकी बेटी ही बन रही है। वहीं बात करें शाह हाउस की तो दोस्तों देखने ये मिल रहा है शाह हाउस में अधिकाया होता है जो कि बहुत ही ज्यादा इमोशनल होता है क्योंकि उसकी बेटी से उसे दूर किया जा रहा है, उसे अपनी बेटी से मिलने नहीं दिया जा रहा, जैसे कि पाखी कभी मिलने भी नहीं देती। अधि की हालत देखकर डिम्पी, काव्या और बा बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। कुछ समय तक अधिक ईशानी के साथ समय बिताता है पर तभी पाखी वहाँ आ जाती है जो कि ईशानी को उसे छीन लेती है, साथ ही अधिक को खींचकर शाह हाउस के बाहर निकाल देती है। दोस्तों अधिक के साथ ये बर्ताव देखकर सच में बहुत ही बुरा लगता है। वहीं बात करें अनुपमा की तो दोस्तों अनुपमा आद्या के बर्थडे के लिए आई होती है पर सवाल तो दोस्तों ये उठता है कि अनुपमा को आद्या यानी कि छोटी अनु का बर्थडे याद नहीं है और क्यों नहीं है, क्योंकि अगर उसे इसका बर्थडे याद होता तो स्टोरी में हमें देखने जरूर मिलता था, बट हमें ऐसा कुछ भी देखने नहीं दिखाया गया है। पर अनुपमा को इस बात का एहसास भी नहीं है कि आज यानी कि जिस दिन आद्या का बर्थडे होता है उसी दिन छोटी अनु का भी बर्थडे है, पर पता नहीं मेकर्स हमें ये चीज क्यों नहीं दिखा रहे हैं। हो सकता है स्टोरी के अंदर कुछ चेंजेस होंगे, क्या पता। आगे जानने ये मिलता है अनुपमा को यशपाल जॉब से निकाल देता है। वहीं आद्या जो कि पैनिक हो रही होती है उसे देखकर श्रुति के मन में बहुत सारे सवाल आ रहे होते हैं जो कि वो अनुज से पूछना चाहती है और वो डिमांड भी करती है। श्रुति ये सवाल करती है कि क्यों आद्या को अटैक्स आ रहे हैं और क्या है उसके पास्ट और क्या अनुपमा और आद्या के बीच का रिश्ता क्या है। दोस्तों क्या अनुज श्रुति को सारी बातें बताएगा और क्या ये सब बातें जानकर श्रुति अनुपमा को अपना दुश्मन समझेगी, क्योंकि अनुज और अनुपमा का साथ होना यानी कि श्रुति का अनुज की लाइफ से आउट। और दोस्तों अगर कंक्लूजन की बात करें तो मुझे एक बात नहीं समझ आई थी जो कि आप लोग साथ शेयर करना चाहूंगा। बात वो ये है कि अनुज के पास तो गाड़ी थी, जब उससे आद्या के बारे में पता चला तो उसे गाड़ी से आना चाहिए था, बट हमें उसे प्रोमो में यानी कि एंडिंग के सीन में हमें उसे भागते हुए दिखाया जाता है। तो क्या होगी वजह जिस वजह से अनुज भागते हुए आ रहा है, क्या अपनी गाड़ी बीड़ी सब छोड़कर आ रहा है। लेट्स सी कि हमें देखने क्या मिलता है। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लोग लाइक कर दे, ये वीडियो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में जरूर से जरूर शेयर करना दोस्तों, ताकि सारे अनुपमा सीरियल के फैंस अपडेटेड रहे और उन्हें इसी तरह अपडेट मिलती रहे। उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहेगा। यहां तक देखने आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।